अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक हो गया आप सबका अनदर व्लॉग के अंदर। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ कहीं होंगे खुश होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे अपनी लाइफ को। तो भाई एक और न्यू मंडी व्लॉग से रिलेटेड वीडियो होने वाली है और 500 सब्सक्राइबर का एम पूरा करवा देना। बकरे इससे पहले पहले का एम टारगेट किया हुआ है 500 सब्सक्राइबर का, और मंडी व्लॉग्स पर आप लोग इतना लव एंड सपोर्ट दिखा रहे हैं तो उसका बहुत शुक्रिया। आज मैं मौजूद हूँ एक बाड़े में और मैं बताता चलूँ, ये 7 मन का जानवर टोटल अभी यहाँ पे मेरे पास खड़ा हुआ है, देख सकते हैं हम लोग। बहुत ही प्यारा बच्चा है, सफ़ेद कलर में, आगे थोड़ा सा ग्रे कलर आ रहा है और इसको दाना दाना ये लंपी हो चुका है, और ये पिछले साल हुआ था लंपी। अभी जिसकी गाय है या उसको बुलाया, थोड़ी देर में ओनर हमारी वीडियो में होंगे इस गाय के, और जो कैमरा मैन है वो खुद भी ओनर है। मैं आपको बता दूं, ये बछड़ा हमने पिछले साल, इन्होंने, ये इस साल का बछड़ा नहीं है, कुर्बानी 2022 में लिया था कुर्बानी के लिए, तो लंपी हो गया था, 1 साल पालना पड़ा इनको मजबूरन। और ये पिछले साल 1/29 का बछड़ा इन्होंने लिया था, 1,29,000 का, और ये पूरा आप लोग इसको देख सकते हैं, बहुत ही जानदार बच्चा हो चुका है 1 साल में पूरा। बैग वैग देखें, काफ़ी अच्छा वजनी बछड़ा है, और ये पिछले साल भी 4 मन 5 मन तो था ही, लेकिन इसने बीमारी में अपना जो वजन लूज किया तो फिर सही से बैकअप नहीं हुआ था। अभी ये 3-4 महीने में बना है जो बना है, तो बीमारी बड़ी बुरी चीज है यार, गाय के हो या इंसान के हो, वो बीमारी जब पीछा कर लेती है ना तो फिर जान नहीं छोड़ती। और हमारे पास और शेखवान की मंडी के 2 बछिया हैं, इस बच्चे के ओनर यहाँ पे हमें ज्वाइन कर चुके हैं, बुलाता हूँ इनसे और पूछता हूँ कि 1 साल इन्होंने इसकी देखभाल कैसे की है, ओनर भी हैं और ये रखवाले भी हैं इस बछड़े के, चारा दाना पानी यही करते हैं। तो मेर सर इधर आ जाओ, थोड़ा सा टाइम दे दो हमें भी जी। तो सबसे पहले ये बताओ कि ये लंपी स्किन इसको हुआ तो इसको रिकवर कैसे किया? पिछले साल हम लोग ने देखा कि बहुत सारे जानवर लंपी स्किन में मर भी चुके थे जी, मर तो मतलब बहुत मुश्किल था बचना इसमें। हाँ, बहुत जानवर मरे पिछली दफा, तो इसको कवर कैसे किया? बस ये अल्लाह पाक की मेहरबानी थी, और बाकी हमारी भी कुछ मेहनत थी इसमें। मेहनत क्या की वैसे, मतलब क्या इंजेक्शन क्या दवाई हुई? मतलब डॉक्टर वगैरह को बुला के थोड़ा टीका वीका लगवाया था इसको लंपी का, बाकी बहुत मेहनत भी बहुत करी। मेहनत इसको ऊपर की, अब 6-7 मन बच्चा हो गया, ये बहुत ही प्यारा बच्चा है। और दो शेखवान की मंडी की अपडेट भी है मेरे पास के शेखवान की मंडी में रेट क्या चल रहे हैं, जो इस वक्त मतलब के बहुत ही मशहूर मंडी पाकिस्तान की कहलाती है। शेखवान की मंडी से माल सोहराबगढ़ आता है, मलेर मंडी आता है, और पता नहीं क्या हो गया भाई इसको। चले शेख, मैं बता रहा था कि शेखवान की मंडी बहुत ज़्यादा ही फेमस है अभी पाकिस्तान में, क्योंकि माल सोराब गोड मलीर मंडी ये सब जगह पे ज़्यादातर शेखवान की मंडी से आता है, और इनके जो वालिद साहब हैं वो शेखवान की मंडी से होकर अभी आ रहे हैं अपनी कुर्बानी 2023 के लिए। एक तो ये बच्चा हो गया, और एक गाय और लाए, और किसी और की भी एक गाय उसमें है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि वो गाय कैसी है और कितना मन है, क्या रेट है। शेखवान की मंडी की रेट अपडेट भी कर देता हूँ आपको। चलो, ये 2 बच्चे हमारे पास बछिया हैं, और चलो इसका कलर बहुत खूबसूरत है, एंटिक कलर है, और ये बहुत प्यारी बच्ची है, ये आप लोग देख सकते हैं, वाइट और फोन कलर ब्राउन टाइप जो होता है उस कलर में है। तो भाई इसका रेट बता दो मुझे, छोटी वाली का क्या है, क्या रेट लिया है भाई? इसका रेट है 1,15,000, 1,15,000, 1,15,000 की ये है, और ये पीछे 1,40,000। ये 40 की जो बच्ची है ये तकरीबन 4 मन चलो, है, चलो क्योंकि वीडियो में समझ में नहीं आता, हम आपको बता देते हैं, 4 मन बच्ची है ये, और इसकी कमर की उठान वगैरह और पीछे की बैग बहुत भरी हुई है, खूबसूरती में इतनी नहीं है, लेकिन वो बच्ची जो 1,10,000 की है वो मैं आपको बताऊं, खूबसूरत भी बहुत है, खूबसूरती में पैसे में ये, खूबसूरती में पैसे में, और ये तकरीबन 2.5-3 मन के करीब होगी ये बच्ची, 3 मन बच्ची है, 3 मन कटेगी लाजमी। और यही अपडेट ये है कि शेखवान की मंडी जो मैं बता रहा था आपको, ये रेट वहां के है, और ये किराया विराया लगा के इसको कितने पड़ा है वैसे, किराया क्या पड़ा था? तकरीबन 7-7 हजार रुपए किराया लगा इसमें, 7,000-7,000, 7-7 हजार रुपए किराया, 7,000 रुपए किराया, 2 ही जानवर आए थे वहां से, और अब चारा वारा मतलब लगा के कितने तक की पड़ जाएगी?
मतलब वो जितना चारा खा लेगी है अभी तक एक महीनों मतलब में, ये 1 महीने में 15,000 का चारा खा लेगी, एक गाय 15,000 30,000 रुपए इसके ऊपर ऐड और कर का। लेते हैं, 1,40 की ये ली है, मतलब 1,70 की पड़ जाएगी, क्योंकि अभी रेट बहुत हाई चल रहे हैं। अब नसीब के सौदे जिनके होगा होगा, और एंड एंड में देखो क्या अपडेट होती है मंडी की। बाकी मंडी अपडेट भी मैं करता रहूंगा आपको वीकली या जैसे मुझे टाइम मिलेगा, क्योंकि अभी जानवर और अनलोड हो रहे हैं जितने भी, मतलब अभी जैसे जैसे और अनलोडिंग होती रहेगी मैं आपको बताता रहूंगा क्या है। अब जानवर ज्यादा लग जाए तो फिर एक मतलब एम टारगेट करें ना, हम लोग 3 मन के बच्चे किस रेट में चल रहे हैं, अब हमें तो पता ही नहीं है वहां पे हमारे मतलब के जानवर आए नहीं है, इसलिए मैंने मंडी अपडेट शुरू में मना ली थी। अब आगे वीकली अपडेट करता रहूंगा आपको। और ये थी भाई शेखवान मंडी अपडेट, जो कि हमारे इनके कैमरामैन के वालिद साहब ये 2 बच्चे लेकर आए, काफी खूबसूरत ये वाली बच्ची मुझे लगी थी, 1,10,000 की जो है। बाकी और मैं बताता चलूं, हमारे पास एक ये दुम्बा है, देसी नस्ल है ना, ये देसी नस्ल का दुम्बा है। बाकी बकरे के बच्चे बच्चे हैं, बकरियां बैठी हुई है बहुत सारी हमारे पास यहाँ पे। और ये सबसे खूबसूरत बकरा मुझे ये लगा था, और ये इनके पास पिछले साल से है, बहुत ही प्यारा बकरा है, और डरा हुआ है, पता नहीं क्या हो गया। चल तुमसे डर रहा है वो। ये भाई इनका गवाला संभालेगा, कलर बहुत खूबसूरत है इसका, टी शर्ट से कलर इसका मिल रहा है ये। और हमारे पास 2-3 बकरियां हो रहे, बच्चा था ना, उमेर कहाँ गया, बच्चा मैंने देखा था, बकरी बच्चा ले कर अंदर से। बाकी आप लोग देख सकते हैं वाड़े का सेटअप वेटअप तो बहुत अच्छा किया हुआ है वैसे, और गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है। वो बच्चा बकरी का लिया है तो फिर मैं आपको बताता हूँ। तो भाई ये रहा हमारे पास बकरी का बच्चा, बहुत ही खूबसूरत प्यारा सा है, नन्ना सा छोटा सा। ये किसका बच्चा है, ये बकरी का, उस बकरी का, वो खुद बच्ची लग रही है। ये नस्ल ऐसी होती है छोटी, अच्छा नस्ल ऐसी है छोटी इसकी भाई, छोटी नस्ल होती है छोटी छोटी जैसे ये। नस्ल है, वो बहुत खूबसूरत ये बच्चा लग रहा है, मेरा दिल कर रहा है इसको ऐसे ही लगा के रखो, लेकिन ये परेशान हो रहा है तो ज्यादा परेशान नहीं करते हैं। आ जाओ आ जाओ। और यही सब है, ये कुर्बानी के लिए है ये सारी, ये तो अभी खीरा है, ये तो बच्चे है अभी, ये कुर्बानी होगी, कहते बकरा होगा। चलो देख लेते हैं जैसा होगा आगे हाँ, अपडेट करते और ये रहेंगे आपको। दुम्बा होगा, दुम्बा दुम्बा होगा, और ये बछड़ा जो लिया हुआ है ये पिछले बछड़ा साल है, से, ये बछड़ा भी पहले इस पे दुम्बा छुरी चलाते हुए तो जान निकलेगी, क्योंकि 1 साल इस पे काम किया और इस पे मेहनत की है। वो बड़ा अफसोस होता है यार पाले हुए जानवर को काटना, कभी शौक पूरा करूंगा मैं ये भी अगर मुझे टाइम मिला तो, अभी जॉब की वजह से टाइम नहीं मिल पाता। खैर ये थी आज की वीडियो, आगे मंडी अपडेट होती रहेगी। 500 सब्सक्राइबर का एम याद रखना आप लोगों को, और मंडी ब्लॉग्स आपको पसंद आ रहे हैं तो बताना, बकरीद तक मंडी ब्लॉग्स चलता रहेगा, बाकी आगे का कंटेंट फूड ब्लॉगिंग या कुछ भी ब्लॉगिंग होगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, 500 सब्सक्राइबर का एम याद रखना है। इसी उम्मीद के साथ पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतरीन करने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा। MUS ईट्स एंड ब्लॉग्स को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।